हाय, तो कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले वीडियो। आज के वीडियो में गाइस हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में करने वाले एक फार्म हमारा नया बढ़ाने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना कि अगले वीडियो में हमने जो भी माइनिंग की थी, और माइनिंग में हमें गोल्ड मिला था, आयरन ओर मिला था और डायमंड्स भी मिले थे गाइस। तो इस वीडियो में हम हमारे फार्म को अपग्रेड करने वाले हैं, कैसे हमारे फार्म को नया बनाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है, तो हमारे फार्म को बढ़ाने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ कि अगर हमारे घर के बाहर निकल कर जा रहा हूँ, और हमारे फार्म को हम बढ़ाने वाले हैं, और वहां पर हम पिग्स को लाने वाले हैं। तो चलिए गाइस, अभी मैं यहाँ पर फार्म में अपने पिग्स को लाने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अभी चलते हैं हम पिग्स को लाने के लिए, अपने फार्म को अपग्रेड करने के लिए। तो चलिए गाइस, अभी मैं यहाँ पर घर के बाहर निकल कर यहाँ पर जो भी पिग्स मुझे दिखेंगे, तो गाइस यहाँ पर इतने ज्यादा पिग्स है, और इन सभी पिग्स को बाहर निकालेंगे हम। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर अपने फार्म में पिग्स के लिए कोई अलग जगह कर लेता हूँ, बाद में हम पिग्स को लाएंगे। तब तक के लिए पिग्स को नहीं लाएंगे तो तभी इसके उसको लाएंगे। तो इसलिए पहले हम फार्म को बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं वेट फेंस से। तो चलिए गए हम क्रिएट करते हैं हमारी बाउंड्री सबसे पहले। और यहाँ पर बाउंड्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सारे के सारे डर्ट को लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं पहले तो सबसे पहले तो यहाँ पर लेवल कर देता हूँ, क्योंकि लेवलिंग नहीं होगी तो फिर यहाँ पर मैं पिग्स के लिए अच्छा सा फार्म नहीं बना पाऊंगा। तो अच्छा सा फार्म बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर इसके ऊपर ग्रास भी उगने की शुरुआत हो चुकी है, और यहाँ पर इतनी बाउंड्री तो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अभी हम यहाँ पर वेब फेंस लगा रहे हैं गाइस। तो वेब फेंस मैं अपनी इन्वेंटोरी में देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे वेब फेंस मिल गई है, और इसे डर्ट की जगह पर लेकर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ वो एक फेंस की एक बाउंड्री। और यहाँ पर ये गलत शायद लग गया है, तो यहाँ पर ये इतनी तो क्रिएट होगी, हमें आधी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे दूसरे फार्मिंग के फार्म की बाउंड्री ही एक लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वो एक फेंस की, और यहाँ पर एक रास्ता ऐसा रखेंगे कि एक रास्ते में हम एंट्री गेट रख सके। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पर डायरेक्टली इतने लगा रहा हूँ, और यहाँ पर उसके बाद एंट्री गेट के लिए सबसे पहले तो मैं एंट्री गेट की एक जगह रखनी पड़ेगी। और एंट्री गेट के लिए यहाँ पर मैं जगह रख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये तो लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर एंट्री गेट भी ले लेंगे गाइस। तो यहाँ पर तो ये पूरा कवर अप हो गया, और हमें कवर अप नहीं करना है, इसलिए हम थोड़ी सी जगह यहाँ पर रखते हैं, और थोड़ी सी जगह हमने यहाँ पर रखी है। और अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी मड की लाइन में कर दूंगा, जिससे हमें आने जाने के लिए भी आसानी रहेगी। और अब मैं यहाँ पर मैं बिर्च यहाँ पर हमारे जो भी फेवरेट्स हैं मैं लगा देता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर अभी रात हो चुकी है, और रात को ज़ॉम्बीज का खतरा रहता है, और हमें कोई रिस्क नहीं ले रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ज़ॉम्बीज ना, इससे फटाफट से मैं गेट लगाकर सबसे पहले फटाफट हम घर में घुस के सो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपना फेंस गेट, और ये आ गया फेंस गेट, और यहाँ पर हमने लगा दिया फेंस गेट। ये मैं चेक भी कर लेता हूँ, ये खुल भी सकता है। तो ठीक है गाइस, अभी हम हमारे घर की तरफ निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ये पिग सारे भर गए हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर फटाफट से हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं, और फटाफट से सो जाते हैं। और अभी हम यहाँ पर सो नहीं सकते, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, यू मे नॉट नॉट रेस्ट नाउ, देर आर मॉन्स्टर्स नियर बाय। मतलब कि हमारे घर के पास में बहुत सारे जॉम्बिस घूम रहे हैं, इसलिए हम सो नहीं सकते। तो इसके लिए हमें जॉम्बिस का खात्मा करने के लिए हमें बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आके बैठ गया है। तो इसको इन सब से हमें पंगा लेना पड़ेगा, और इन सब से हमें फाइट करनी पड़ेगी। हमारे पास आयरन की स्वॉर्ड है, इसलिए हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हट तेरी ऐसी की तैसी, साले तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज है। वैसे आयरन की स्वॉर्ड वैसे स्टोन के स्वॉर्ड से तो बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क भी करती है। और अब मुझे नहीं लग रहा कि अब यहाँ पर कोई भी खतरा रहे, अभी हम घर में जाके चेक कर लेते हैं, सो सके तो सो जाते हैं। इसीलिए अभी मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और अभी सो गए। तो कि गाइस अब सुबह उठकर हम जाएंगे फटाफट से सारे के सारे पिग्स को अपने फार्म में ले आएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सारे के सारे
पिग्स को अपने फार्म में लाया जा सकता है। तो वहां से पहले तो जो भी गड्ढे में जो जो भी सारे पिग्स थे उन सभी पिग्स को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले हमें रास्ता भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर मेरी फसल भी आधी पकी है आधी नहीं पकी है, मतलब कि पानी तो उसका फुल है लेकिन टाइम बहुत ही कम रहा इसलिए अभी नहीं पकी है। लेकिन मैं यहाँ पर रास्ता बना देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कैरेट दिखाने से सारे के सारे पिग्स यहाँ पर आने की ट्राई करेंगे गाइस। लेकिन यहाँ पर मैं निकलने का रास्ता रास्ता बनाता हूँ। यहाँ पे इतने ज्यादा पिक्स जमा हो गए कि पिक्स को निकलने के लिए जगह बनाना भी मुश्किल हो गया है। और यहाँ से सारे के सारे पिक्स निकलने की ट्राई में जुटे हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इससे हम यहाँ पर कैरेट दिखाकर हमारे पास ला सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे पिक्स हैं मेरे पास आ गए। आ जाओ मेरे पीछे के पीछे, इन सबको मैं लेके आता हूँ, आप देख लेना। जैसे कि हम काउ को लाए थे वैसे ही हम पिक्स को भी ला सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ यहाँ पे ये यह रहा हमारा गेट, और इसी गेट को खोल के हम अंदर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही मतलब कि जगह कम है और यहाँ पर इसलिए इन सभी को मैं यहाँ पे अंदर ला रहा हूँ। इसे कैरेट दिखाऊंगा, ये दौड़ के वापस डायरेक्टली हमारे फार्म में एंटर हो गए हैं। और इन सभी को हम फीड करके खिलाएंगे और इसे भी हम खिलाते हैं, इन सबको हम खिलाते हैं। और इन्हें गलती से भी लगना नहीं चाहिए गाइस, इनको लग गया तो फिर ये वापस हमारे फार्म में एंटर नहीं होंगे। तो इससे यहाँ पर ये सारे के सारे इन सबको फीड कर दिया है मैंने। ये सारे तो खा खा के चले जाते हैं, मतलब कि इन्हें ज्यादा खिलाना बहुत ही अच्छी बात नहीं है। ये सारे के सारे अंदर जितने भी आए हैं इन सबको अंदर लाके पहले मैं इस तरफ चला जाता हूँ और इस तरफ चला जाता हूँ और बाहर नहीं निकलना किसी को भी। और यहाँ पे मैं गेट को बंद कर दिया है, मतलब कि ये किसी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे लाया जाता है सारे के सारे एनिमल्स को हमारे फार्म में लाया जाता है गाइस। तो आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे पिग्स को लाया जाता है हमारे फार्म में। तो हमारा फार्म तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया गाइस, हमारा फार्म तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया गाइस। आप देख सकते हो कि हमारे फार्म में शीप्स आ गई है, बफेलोज आ गई है, पिग्स आ गई है, और अभी पीछे की तरफ हॉर्स भी आ गए हैं। और हम फार्मिंग भी करते हैं बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे मतलब कि पूरी माइनक्राफ्ट में खेले जाते हैं। और अगले वीडियो में हम एक प्रकार से माइनिंग करेंगे गाइस, और माइनिंग से हमें और भी डायमंड्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ टेरेस में, क्योंकि टेरेस टेरेस नहीं मतलब कि हमारे चेस्ट में, कि चेस्ट में हमारे पास सिर्फ 3 ही डायमंड थे जो कि पिछले बार हमने माइनिंग करते वक्त लिए थे और कलेक्ट किए थे। तो इन सभी वो डायमंड्स को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 3 ही डायमंड्स हमने कलेक्ट किए थे और 3 ही डायमंड्स यहाँ पर थे, बाकी का सामान वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में करेंगे एक अच्छे से माइनिंग और देखते हैं कि गोल्ड में कितना मिलता है। हमारे पास 8 ही गोल्ड इनगॉट है। और अब अगले वीडियो में मैं गोल्ड की स्वॉर्ड और वो सब बनाऊंगा, और गोल्ड की सामग्री मतलब कि गोल्ड के वेपन्स सभी बनाऊंगा, और उससे हम माइनिंग करने जाएंगे और डायमंड्स ढूंढ के लाएंगे और डायमंड्स के वेपन्स भी बनाएंगे और अच्छा सा घर बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और बड़ा ही अच्छा वाला कास्टल बनाएंगे हमारा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।